नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज मेरे पास है डेल का 3450 लैटिट्यूड सीरीज़ का एक लैपटॉप, और ये एक बहुत ही अच्छा कमर्शियल सीरीज़ का लैपटॉप है। एक पुराना एडिशन होने की वजह से आज की डेट में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो हो गया है। तो इसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम इसकी हार्ड डिस्क को रिप्लेस करेंगे नई SSD के साथ में, और इसमें फ्रेश Windows 10 इंस्टॉल करेंगे ताकि इसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं इस लैपटॉप को ओपन करूंगा और हम देखेंगे कि इसकी हार्ड डिस्क को फिजिकली SSD के साथ किस तरह से रिप्लेस करेंगे और कौन सी SSD इसके अंदर लगेगी वो भी हम चेक करेंगे। चलिए फिर खोलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस लैपटॉप के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं दिया गया है SSD को इंस्टॉल करने के लिए। तो हम इसकी हार्ड डिस्क को ही रिप्लेस करेंगे, और इसकी हार्ड डिस्क को रिप्लेस करने के लिए हमें इसकी बैटरी निकालनी होगी। तो खोलते हैं इसकी बैटरी को। ये इसकी हार्ड ड्राइव है, 2.5 इंचेस की साटा हार्ड ड्राइव, और हम भी इसमें 2.5 इंचेस वाली SSD इंस्टॉल करेंगे। तो हमने इसके अंदर हमारी नई SSD इंस्टॉल कर ली है, और अब इसे बंद करके हम इसका सॉफ्टवेयर वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। और अब बारी आती है विंडोज़ को इंस्टॉल करने की। तो विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ बूटेबल पेन ड्राइव है, तो इसको ऑन करके हम F12 बटन प्रेस करेंगे जो हमें बूट ऑप्शंस को डिस्प्ले करेगा, और इसमें हम सिलेक्ट करेंगे अपनी बूटेबल पेन ड्राइव। यहाँ हमने 100 GB का एक बेसिक सी पार्टीशन बनाया है, और बाकी जितनी स्पेस है वो हम डेटा स्टोरेज के लिए एक पार्टीशन बनाएंगे, और इसको यहीं पर फॉर्मेट कर देंगे ताकि हमें बाद में इसको फॉर्मेट करने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे अपना सी पार्टीशन, और हमारी विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में अराउंड अराउंड 15 मिनट का टाइम लगता है, तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ।
हमारा लैपटॉप रेडी है, हमने इसमें फ्रेश SSD भी इंस्टॉल कर ली है और फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है और ये लैपटॉप रेडी है यूज़ करने के लिए। हम इसमें और एडिशनल सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल करना चाहते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये जो लैपटॉप पहले 10 मिनट में बूट अप हो रहा था, अब ये 30 सेकंड से भी कम समय में बूट होने लगा है। तो अगर आपके पास भी सेम सीरीज़ का लैपटॉप है और वो भी स्लो चलता है तो आप भी मेरी वीडियो को फॉलो करके इसमें SSD इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने लैपटॉप को स्पीड अप कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मैं कुछ जानकारी लेके आपके साथ रहूँगा। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।